एक जमाना था जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, एंटरटेनमेंट का कोई खास साधन नहीं था, इनफैक्ट एफएम रेडियो तक नहीं था। उस वक्त था रेडियो सीलोन। लोग उस पर अपने फेवरेट गाने सुनते थे और रेडियो सीलोन पर हर सुबह 7:57 पर केएल सहगल का एक गाना प्ले होता था। वो गाना सुनने के लिए मेरे पिताजी बेकरार रहते थे और मेरे पिताजी ने ये बताया है कि अगर हमारे घर में कभी रेडियो सेट ना चले तो बगल पड़ोसी के घर में चल रहा होता था और उससे आपको पता लग जाता था कि 7:57 हो चुके हैं, केएल सहगल साहब की आवाज़ आ चुकी है। आज उसी आवाज़ के बारे में बात होगी, आज उसी इंसान के बारे में बात होगी, एक ऐसी शख्सियत जिसने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, कुंदन लाल सहगल। आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिम इन द वीडियो टुडे। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विद राहुल। केएल सहगल साहब का जन्म जम्मू में हुआ था, साल था 1904, महीना था अप्रैल और तारीख ऐसी कि कुछ हिस्टोरियंस उसे 11 अप्रैल बोलते हैं, कुछ लोग 4 अप्रैल। इनके पिताजी जम्मू में ही तहसीलदार थे, इनकी माताजी हाउसवाइफ थी, लेकिन संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो मंदिरों में जाती थी जहाँ पे भजन और कीर्तन होते थे और साथ में छोटे से कुंदन लाल को अपने साथ लेकर जाती थी और वहीं पे केएल सहगल साहब की संगीत के साथ पहली पहचान बनी। कुंदन लाल सहगल साहब ने किसी गुरु से संगीत नहीं सीखा था, वो अपनी माँ के साथ जो मंदिरों में जाते थे और भजन कीर्तन सुनते थे तो उन गायकों को सुनकर ही उन्होंने म्यूजिक को अपनाया और जो सुना उसे इस तरह सुना कि वही उनके लिए संगीत की तालीम बन गई। सहगल साहब की माँ उन्हें एनकरेजमेंट देती गई, सहगल साहब सुन सुनकर गाना गाते रहे, लेकिन पिताजी से मार भी खाते रहे क्योंकि पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़का पढ़ाई कम और संगीत ज़्यादा कर रहा है। जब सहगल साहब 12 साल के थे तो उनकी आवाज़ क्रैक कर गई, वो गाना भी नहीं गा पा रहे थे, तो उनकी माँ उन्हें एक सूफी संत के पास ले गई जिसने उन्हें 2 मंत्रों का उच्चारण करने को बोला, जोर जोर से मंत्रों को जपो ये कहा गया। केएल सहगल 2 साल तक सिर्फ उन मंत्रों को जपते रहे, सुबह शाम जब भी मौका मिला उन्होंने जोर जोर से मंत्र जपे और हालत ये हुई कि उसके बाद केएल सहगल साहब की आवाज़ खुल गई एंड फाइनली वो जो यूनिक सहगल बैरिटोन था वो डेवलप हो गया। सहगल साहब के पिता रिटायर हुए, फैमिली जम्मू से जलंधर आ गई। सहगल साहब उस वक्त पढ़ ही रहे थे लेकिन संगीत में बहुत ज़्यादा मन लगता था, पढ़ाई में बहुत कम लगता था, पिताजी बहुत परेशान कर रहे थे। सहगल साहब ने डिसाइड किया कि अब घर छोड़ने का टाइम आ चुका है। घर छोड़ने के बाद पेट भी पालना था, सहगल साहब ने कुछ छोटी मोटी नौकरियां भी की, रेलवे में एक टाइमकीपर का काम किया, रेमिंगटन के टाइपराइटर्स चलते थे उस जमाने में उसको बेचा, इसके अलावा साड़ियां तक बेची और शिमला में एक होटल था वहां पर मैनेजर की नौकरी भी की। जब सहगल साहब रेमिंगटन के टाइपराइटर्स बेच रहे थे तो अपने काम के सिलसिले में उन्हें एक बार लाहौर जाना पड़ा जहां पर द फेमस अनारकली बाजार में उनकी मुलाकात हुई मेहरचंद जैन नाम के एक इंसान से जिनके साथ उनकी एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनी। मेहरचंद जैन ने कुंदन लाल सहगल को एनकरेज किया कि तुम गाना गाओ, तुम इस चीज़ को छोड़ो मत और नौकरी के चक्कर में अपना टैलेंट मत बर्बाद करो। मेहरचंद जैन और कुंदन लाल सहगल दोनों कड़क दोस्त बने और दोनों ही कलकत्ता आ गए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी एक दूसरे वीडियो में बताया था जहां मैं बॉम्बे टॉकीज की बात कर रहा था कि उस जमाने में, वो अंग्रेजों का जमाना था, उस जमाने में कलकत्ता एक हॉटस्पॉट हुआ करता था फिल्मों के लिए, थिएटर्स के लिए और गाने बजाने के लिए। सहगल साहब जब कलकत्ता पहुंचे तो दर दर थोड़ा भटके, वो फिल्म कंपनियों के ऑफिसेस में गए, रिकॉर्डिंग कंपनियों के ऑफिसेस में गए और वहां जाके जो भी स्टूडियो वाला मिलता, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर मिलता, सबको अपनी आवाज़ सुनाई, ऑडिशन दिया। और कमाल की बात तब हुई जब उस वक्त की एक बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी, हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी ने केएल सहगल की आवाज़ को पहचाना और उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया। ये करीब 1930 की बात है, हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी ने केएल सहगल के साथ एक नॉन फिल्मी रिकॉर्ड लॉन्च किया। केएल सहगल ने अपनी लाइफ का पहला गाना गाया जो एक नॉन फिल्मी गाना था, झूलना झुलाओ री। ये रिकॉर्ड के एक तरफ था और दूसरी तरफ
एक भजन था होरी हो ब्रिज राज दुलारे। ये दो गाने ही थे उस रिकॉर्ड में जो लॉन्च किया गया, और एक वो जमाना जब बहुत ही कम लोगों के पास रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था। उस जमाने में इस रिकॉर्ड ने 5 लाख यूनिट्स की बिक्री की। इस रिकॉर्ड के सुपरहिट सेल्स ने एक तरह से घोषणा कर दी थी कि कुंदन लाल सहगल का जन्म हो चुका है, एक नया सुपरस्टार आर्टिस्ट जिसकी आवाज पर लोग टोटली फिदा थे। ये खबर जो है वो कलकत्ता के म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास पहुंची जो न्यू थिएटर्स के साथ काम कर रहे थे, और न्यू थिएटर्स के मालिक बीएन सरकार को रेफर किया गया कुंदन लाल सहगल का नाम। न्यू थिएटर्स के मालिक बीएन सरकार से जब पहली बार कुंदन लाल सहगल मिलने पहुंचे तो एक कुर्ता पैजामा पहने हुए थे जिसमें कई जगह सिलवटें थीं। सहगल साहब बहुत दुबले पतले भी हुआ करते थे, तो बीएन सरकार ने ये सोचा कि पता नहीं ये कौन है, ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब सहगल साहब ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा तो उस जमाने में 200 रुपये पर मंथ की सैलरी पर सहगल साहब को एम्प्लॉयमेंट मिली इन न्यू थिएटर्स कैलकटा। कुंदन लाल सहगल अब पूरी तरह से संगीत की दुनिया में एंट्री कर चुके थे। न्यू थिएटर्स कैलकटा के साथ जो उनकी पहली 3 फिल्में थी उसमें उनका नाम कुंदन लाल सहगल नहीं, सहगल कश्मीरी था। ये 3 फिल्में थी मोहब्बत के आंसू, जिंदा लाश और सुबह का सितारा। ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप थी, लेकिन न्यू थिएटर्स के साथ जो 4थी फिल्म आई वो हिट थी, पूरन भगत। पूरन भगत के बाद 2 और फिल्में आईं जिसने कुंदन लाल सहगल को मजबूती से एस्टैब्लिश कर दिया इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सीन। ये फिल्में थी चंडीदास, और उसके बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई देवदास। 1935 में रिलीज हुई देवदास ने सही मायनों में केएल सहगल को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया। एक ऐसा आर्टिस्ट जो खुद गाता भी था और खुद पर्दे पर नजर आता भी था, अ सिंगिंग एक्टर। ऐसा करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार बने जब सुपरस्टार जैसे वर्ड की ऑफिशियली इजाद भी नहीं हुई थी। सहगल साहब ने न्यू थिएटर्स कैलकटा के साथ काम करते हुए बांग्ला भाषा भी सीख ली और साथ बंगाली फिल्म्स में भी काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की और गाना भी गाया। इनफैक्ट इन फिल्मों में जब वो रविंद्र संगीत गा रहे थे तो उनको पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुना और फिर इजाजत दी कि हाँ इस लड़के का उच्चारण ठीक है, ये बांग्ला सही से बोलता है, ये गाना सही से गाता है, ये मेरा संगीत गा सकता है। कुंदन लाल सहगल की कलकत्ता इनिंग्स में कई सफल फिल्में आई विथ न्यू थिएटर्स। मैं सारी फिल्में आपको बता के बोर नहीं करूंगा, लेकिन 2 फिल्मों की बात करनी जरूरी है। पहली फिल्म थी प्रेसिडेंट जिसमें गाना था एक बंगला बने न्यारा, यस। और उसके अलावा एक फिल्म थी स्ट्रीट सिंगर, इसमें ऑल्दो प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन फिर भी केएल सहगल साहब ने कैमरा के सामने खड़े होकर एक्टिंग भी की और लाइव एक गाना रिकॉर्ड किया था। बाबुल मोरा नहीं हर छोटो ही जा। केएल सहगल उस जमाने में कितने बड़े स्टार थे ये आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1937 में एक बार लाहौर गए वो एक स्टेज शो के लिए, वही शहर जहां वो एक जमाने में टाइपराइटर बेचने जाया करते थे। इस बार सहगल साहब के पहुंचने से पहले वहां पे उनके नाम के पोस्टर्स छप चुके थे, सारे शहर को इत्तला कर दी गई थी कि केएल सहगल आ रहे हैं, और पूरा शहर उनसे मिलने के लिए उस दिन टूट पड़ा था। सैडली ये वो वक्त भी बना जब उस जमाने के सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल साहब को शराब पीने की आदत लग गई, और हालत ये हो गई कि बिना शराब पिए सहगल साहब रिकॉर्डिंग ही नहीं करते थे। 1941 में कलकत्ता में बसी हुई जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो बंबई आ गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर्स जो कलकत्ता में थे वो बंबई आ गए, और उनके साथ ही बंबई आ गए कुंदन लाल सहगल भी। बंबई आने के बाद कुंदन लाल सहगल ने रंजीत मूवी टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इमेजिन कीजिए 1941 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें कुंदन लाल सहगल को हर फिल्म के लिए 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। 1 लाख वॉज अ बिग अमाउंट इन दोज डेज। ये वही वक्त है जब उनकी 2 और हिट फिल्में रिलीज हुई, भक्त सूरदास
और सुपर डुपर हिट फिल्म तानसेन। वो फिल्म जो म्यूजिकल थी, वो फिल्म जो तानसेन के बारे में थी, वो फिल्म जिसमें तानसेन केएल सहगल ही थे, और वो फिल्म जिसका म्यूजिक आज भी पॉपुलर है। दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग। तानसेन की सफलता के बाद सहगल साहब ने न्यू थिएटर्स कैलकटा के साथ एक आखिरी फिल्म की, माय सिस्टर, जो 1944 में रिलीज हुई। लेकिन ये वो वक्त था जब सहगल साहब काम कम कर रहे थे, शराब ज्यादा पी रहे थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक लास्ट सुपर हिट बची थी। 1946 में ये फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था शाहजहान। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, और इस फिल्म में एक ऐसा गाना है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है ऑफ कुंदन लाल सहगल। ये वो गाना है जिसके लिए नौशाद साहब ने दो टेक लिए थे। एक टेक में कुंदन लाल सहगल साहब से कहा था कि आप शराब बिना पिए गाना गाएंगे, और दूसरे टेक में सहगल साहब ने शराब पीकर गाना गाया। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। अगले दिन सहगल साहब को वो दोनों रिकॉर्डिंग सुनाई गई। नौशाद साहब ने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी रिकॉर्डिंग बेहतर है। सहगल साहब ने वो रिकॉर्डिंग चुनी जो शराब बिना पिए उन्होंने रिकॉर्ड की थी। तब उनको बताया गया कि ये वो वाली रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने शराब नहीं पी है, और अब आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तब सहगल साहब ने नौशाद साहब से ये कहा था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, काश ये बात तुम मुझे पहले बता देते। फिल्म शाहजहान के रिलीज़ होने के कुछ महीने बाद ही 18 जनवरी 1947 को केएल सहगल साहब गुजर गए। उनके जाने के बाद सहगल साहब की आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था परवाना। अभी मैंने आपको अपना फेवरेट केएल सहगल सॉन्ग बताया है। आपका फेवरेट केएल सहगल सॉन्ग कौन सा है, या कोई खास मेमोरी आपकी केएल सहगल साहब से जुड़ी हुई हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे आपके जवाब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ध्यान रखिए अपना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। चला।